ठीक है शेख जी? मैं ठीक है, खा के पढ़ के सुना, पहले तेरे लिखा क्या है? मैंने लिखा है डॉक्टर फीस 100 रुपए, तुरंत फायदा ना हो तो 1000 रुपए इनाम, डॉक्टर शेख चिल्ली जी। ऐसे ही लिखा, जो जी नहीं बोलेगा साले का फैला पटे मारूंगा। हाँ जना, हाँ वह लोग कहेंगे भाई डॉक्टर कैसे बनेंगे, पढ़ा लिखा नहीं, नया फार्मूला लाया कहाँ से? लेकिन शेख जी तुम इलाज करोगे कैसे? मैं अपना आप कर लूंगा, अब तू देखती रह शेख चिल्ली का ज्ञान। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, चल चलो लोगों। डॉक्टर शेख चिल्ली जी, डॉक्टर की फीस 100 रुपए और तुरंत फायदा ना हो तो 1000 रुपए इनाम। अरे वाह, पहले इससे ही निपट लेती हूँ। अजी सुनते हो? अबे क्या आफत आ गई, हर वक्त सोते रहते हो। तो और क्या करूँ? कुछ सुना है तुमने? अबे मैं गांव में गया नहीं, सुनता क्या, अब तू सुना दे। शेख चिल्ली डॉक्टर बन गया है। शेख चिल्ली डॉक्टर बन गया? हाँ। तो बड़ी अच्छी बात है, आगे तो सुनो। आगे सुनाओ। 100 रुपए फीस लेता है। 100 रुपए? हाँ 100 रुपए। 100 रुपए तो बहुत ज्यादा है, पूरी बात तो सुन लो। चल पूरी बात सुना। 100 रुपए फीस लेता है, फिर? और अगर इलाज में फायदा ना हुआ हाँ, तो 1000 रुपए इनाम देता है तुरंत। हाँ जी। भाई एक बात तो बता, जब मुझे कोई बीमारी है ही नहीं तो ये बात तो मुझे क्यों बता रही है? भाई मेरी बात सुनो। सुनाओ। लो 100 रुपए लो। ठीक है, ले लिए। और उसकी दुकान पर जाओ। ठीक है। और कोई भी झूठ मूठ की बीमारी बताकर हाँ हाँ उससे 1000 रुपए ऐड कर लाओ, यानी ठग कर। ओ तो तेरा 1000 रुपए ठगने का प्लान है। सही पकड़े हैं। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। जा रहा हूँ, बैठ तू यहीं। गया और आया। बोर्ड किसने लगा दिया? डॉक्टर फीस 100 रुपए, तुरंत फायदा ना हो तो 1000 रुपए इनाम, डॉक्टर शेख चिल्ली जी। डॉक्टर शेख चिल्ली ने कभी डॉक्टरी सीखी नहीं, ये लोगों का इलाज कैसे करेगा? डॉक्टर फीस 100 रुपए, 1000 रुपए इनाम, तुरंत फायदा ना होने पर 1000 रुपए इनाम, नया फार्मूला लेकर आया भाई। चलो देखते हैं। ना? हाँ जी। मरीज आए नहीं साला। हाँ शेख जी, सब बोर्ड पढ़ के जा रहे हैं। बोर्ड पढ़ के जा रहे हैं? हाँ। आया तो है नहीं कोई। मैं ऐसा करता हूँ, हाँ गाँव में घूम करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहीं बैठ जाओ, कोई मरीज आके तो मैं इलाज करूंगी। ये लो 24 घंटे से लगा कर रखा करो। लगा कर रखा करो? हाँ। ऐसे ऐसे भाई, अच्छा साफ कलम गिर दिया मेरे, 24 घंटे लगा कर रखा करो। शेख जी डॉक्टर ऐसे रखते हैं, इसे लगा के बैठा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इमरजेंसी आ जा कोई। हाँ शेख जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोर्ड कैसे लगाया? बोर्ड कैसे लगाया? पूरा घर की जिम्मेदारी मैंने ठेकेदार ले रखी है। बस तुम लोग स्कूल में कभी गए नहीं, पढ़े कभी नहीं है, बोर्ड कैसे लगा दिया? पहले पढ़ना बस ही नहीं है, बाहर निकल बाहर निकल। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। उल्टी सीधी शिकल के सब साले मेरे से आके पूछे हैं। शेख जी जब तुम्हें बोर्ड लगा रखा है तो लोग तो पूछेंगे ही। लोग पूछेंगे साले, कैसे लपाटे मारूंगा। शेख जी तुम लोगों को धमका धमका के भगाओगे तो कौन आ जाएगा? अपना आ जाएंगे, चल जा, जाने साले तेरी नाप देख दूंगा। लोगों को भगरा कोई आ नहीं रहा वैसे ही। शेख जी मेरी छाती में बैठेगा, शेख जी पीछे खड़ा हो, मैं पीछे आ गया वैसे ही, इधर कहीं मैंने। मैं तुमने तो कहते पीछे। हाँ बोल। इलाज कराने आए? इलाज कराना आया? हाँ। एक बात सुनिए, इलाज कराना आया? हाँ। तभी जहती से बोल लेगी। मैंने कौन सी बेइज्जती कर दी तुम्हारी? मैं पूरा नाम नहीं ले सकता, डॉक्टर शेख चिल्ली जी, मैं बोर्ड में नहीं पढ़ा, मैं बोर्ड लगा रखा।
डॉक्टर शेख चिल्ली जी। हाँ हाँ पढ़ा लिखा। तो डॉक्टर शेख चिल्ली जी हाँ? हम इलाज कराने आए। हाँ तो जमा करो फीस के पहले ही। हाँ तुम्हारा कुछ पता नहीं बेईमानों का कब निकल ले। लो देखो करा रहा। अरे अब बोलो क्या करना, क्या बीमारी है? देखो मेरी जुबान है बात, तेरी जुबान तक कुत्ते जैसी है। अबे मेरी जिंदगी भी कुत्ते जैसी हो रही है। ठीक है बीमारी बताओ। बीमारी हाँ। हमारी ये है, ये जो देखो हमारी जुबान है ना हाँ। इस पे किसी भी चीज का स्वाद नहीं पता चल रहा। वाह बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। खतरनाक मतलब तुम्हारी जुबान से किसी चीज का जुबान से टेस्ट नहीं मिल रहा। ठीक है भाई एक बात बतला। हाँ इसका मतलब किसी चीज का भी स्वाद नहीं बताया जुबान? नहीं। पानी का भी नहीं? उसका भी नहीं। गोली का भी नहीं? उसका भी नहीं। गाजर का भी नहीं? उसका भी नहीं। गोबर का भी नहीं? उसका भी नहीं। गोबर खा के देखो गन्ना चालू हो रहा अभी ले। हाँ कंपाउंडर बुलाओ। हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा करो जी भाई साहब को 22 नंबर में से 4 बूंद दवाई पिलाओ। 4 बूंद? हाँ कंपाउंडर है। हाँ इसे देख लो श्वास आ रहा। श्वास आ रहा? हाँ अबे नालायक भी लग रहा तू तो। डॉक्टर साहब दवाई का रखी है? अबे दवाई इसमें नहीं है। ओ उसमें दवा खाने में। हाँ लाओ। अभी लाई। हाँ लिया साला स्वाद आया गया नहीं, चाहे तू कुछ भी कर ले। लिया क्या खिलाएगी तू? लिया। 4 बूंद दवाई, 4 बूंद दवाई पिलाओ। ए पेशेंट। हाँ इधर आओ। आ गए जी। बर्गर मुंह खोलो। आ नीचे से पिएगा ऊपर से पिएगा? आ अबे ये क्या पिला दिया है? मैं दवाई है दवाई। अबे पेट्रोल है। मैं दवाई है। मैं पेट्रोल है। मैं दवाई है। अबे पेट्रोल है। मैं तुझे कैसे पता पेट्रोल है? 1000 रुपए की शर्त लगाने तैयार हूँ। पेट्रोल है। पूरे मुंह का जायका खराब हो गया यार। ये थे एक बात नहीं। हाँ तेरी जुबान भी ठीक हो गई। कैसे? क्योंकि तेरी जुबान स्वाद नहीं बतला रही थी, अब तेरी जुबान पेट्रोल बतला रही है, क्योंकि हम 22 नंबर में पेट्रोल की बोतल रखते हैं। अरे 100 रुपए का तेरी जुबान पेट्रोल बतला रही है। सही होगी तेरी जुबान? चल निकल। मैं आधे तो वापस दे दे। मैं निकले नहीं, माचिस और लगा दूंगा तेरी जुबान में। साले की जुबान स्वाद नहीं बतला रही है। पेट्रोल पिला दिया जो कह रहा, पेट्रोल पिला दिया। हाई पेट्रोल डॉक्टर फीस 100 रुपए तुरंत फायदा ना हो तो 1000 रुपए इनाम। डॉक्टर शेख चिल्ली ये कब से बन गया? 100 रुपए मेरे पास हैं भी? हाँ है तो चलो आज देखते हैं 100 के 1000 बना लेते हैं इससे। ठीक है डॉक्टर साहब है क्या? मैं मुझे बता दे तू यही पूछेगा डॉक्टर साहब है क्या? देख रहा सांप पड़ा गले में। तुम ही हो डॉक्टर? हाँ। अच्छा इलाज कराने आए? इलाज कराना है 100 रुपए पहले जमा करो। पहले ही लेओगे? फीस पहले बाद में काम। बाद में ले लेते? मैं दिखा देता हूँ, देना तो भगा दूंगा। हाँ बोल। मेरी नाक काम नहीं कर रही है, ये खुशबू नहीं बता रही। नाक काम? नाक से ही खुद आकर नाक काम नहीं कर रही? ईख नहीं और कुछ भी नहीं बता रही। कैसी महक है, कैसी खुशबू है, कुछ भी नहीं बता रही, काम नहीं कर रही। ओहो ना काम नहीं, खुशबू कोई महक नहीं बतला ना, ना, नहीं। फिर ऐसे बोल। ठीक है वही तो बता रहा हूँ। ठीक है कंपाउंडर। हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा करो जी भाई साहब को 13 नंबर में से दवाई सुनाओ। कहाँ रखी है? दवा खाने में। अच्छा जी अभी लाई। लिया दवाई खिला के बस एकदम ठीक। भाईजान इधर आओ। आजा इधर। ये लो ले दवाई ले। ये दवाई है? मैं दवाई है। ये गोबर है? मैं दवाई है दवाई। ये गोबर है? वो भी गाय का? मैं तुझे कैसे पता गाय का? मैं रोज गाय भैंस में ना रहता हूँ। रोज गाय भैंस में रहता है ये रुखसाना। शेख जी इसका मतलब है ठीक हो गया। हाँ गाय का? तुझे पता गाय का ही है? हाँ गाय का ही है। हाँ तो इसका मतलब तेरा इलाज, तेरी नाक बिल्कुल ठीक हो गई। वो ऐसे कैसे? क्योंकि ये गोबर वाकई गाय का था, हम 13 नंबर में गाय का गोबर रख। ये तो धोखा है। धोखा? तू ही का मुझे फायदा करना आया, तू तो धोखा देना आया। निकल जा साले को भी धोखा सिखा दूंगा। अच्छा मैं निकला नहीं निकले जा रहा हूँ। ताला निकल जा नहीं लठ बजा दूंगा। अकड़ रहा धोखा?
तू ही का मुझे मौका देना, तू धोखे से लेना हजार रुपए लेगा धोखे से, चेक स्लिप ठगेगा। अबे जमीला। हाँ जी आ गए। हाँ आ गए, दिखाई नहीं दे रहा। लाओ हजार रुपए। हजार रुपए टिंडे ले ले। टिंडे? हाँ। क्यों क्या हुआ? तेरा बाप है शेख चिल्ली, उसने मेरा 100 का नोट ठग लिया। आ गए 100 रुपए ठगवा कर। और क्या करता, मुँह में आग लगाने को और कह रहा था। आज तक तुमसे कुछ सही काम हुआ है? हाँ, मेरे से तेरा कोई काम हुआ नहीं, तेरे से सारे काम पड़ोसी करें। ऐसा करो। ऐसा करूं? लो 100 रुपए और ले जाओ। फिर जाऊं? हाँ। अच्छा, और थोड़ा दिमाग से काम लो। अच्छा, अब की बार ऐसी बीमारी बताना जो उसके पास इलाज ही ना हो। अच्छा, जाओ जल्दी। जा रहा हूँ। जल्दी आना। और ओए, ये कल वाला ही है, दाल में काला लग रहा, चाल भी बदल रही है साले की। ठीक है शेख जी। हाँ जी, इलाज कराने आए हैं। अरे इलाज कराना आया? हाँ। 100 रुपए निकालो फीस के। ऐसा ठंडा सा हो रहा, बोलो बताओ क्या मर्ज है? हमें भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी है? हाँ। ओवे, लगता कोई गहरी चाल चलकाया। ओवे, 1000 रुपए के ठगने के चक्कर में आया, पूछता हूँ भाई कितनी देर में भूल जाता? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में? हाँ। ओवे, खतरनाक बीमारी है तो। अच्छा एक बात बताइए। हाँ। मैं भी, मुझे 100 रुपए दिए थे फीस के। मैंने 100 रुपए दिए, वापस दे दो। वापिस दे दो, मतलब तुझे फीस वापिस दे दो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं तेरे 100 रुपए दिए। कब दिए मैंने 100 रुपए? ओए साले, इधर ही से भूल गया। एक बात बताइए। हाँ। तो कल भी तो आया था मेरी दुकान पे। किस काम से आया था मैं तुम्हारी दुकान पे? भाई इलाज कराना नहीं आया था, जीभ का स्वाद का। किसका? भाई तो बहुत बुलक्कड़ है। भाई मैं कौन हूँ? देखना पड़ेगा। तुम कौन हो? एक बात, तू कल दुकान पे आया था मेरी पे? किसकी? तो कल 12 बजे दुकान पे आया था, कंप्यूटर ने दवाई पिलाई थी, तूने मुझे 100 रुपए दिए। कल 12 बजे आया था, नहीं आया था? क्या मर्ज था मुझे? लगता 1000 रुपए लेके जाएगा यू। कोई बात नहीं है। तो तुझे भूलने की बीमारी है? हाँ। कुछ याद नहीं है? 1 सेकंड का भी याद नहीं है? कुछ याद नहीं। कंप्यूटर। हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा करो भाई साहब को 22 नंबर की दवाई में से पूरी 100 ग्राम दवाई पिलाओ उसी घेट में। ठीक है जी। ओ भाई। हाँ। ओ मैडम, 22 नंबर की दवाई नहीं पीऊंगा मैं। क्यों 22 नंबर की दवाई क्यों नहीं पिएगा? दवाई पीऊंगा नहीं मैं। क्यों नहीं पिएगा भाई? बस में दवाई है ही नहीं। मैं दवाई है। अबे दवाई नहीं है। मैं दवाई है। दवाई? अबे उसमें दवाई नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैसे बताइए दवाई है? नहीं दवाई है भाई जान, दवाई है। उसमें पेट्रोल है। पेट्रोल? तुझे कैसे पता पेट्रोल है? बेटे कल यहाँ आया था मैं। कल कब आया था? 12 बजे। कल 12 बजे आया? कल 12 बजे आया था यहाँ पे। 100 रुपए दिए थे तुम्हें, इस मैडम ने मुझे 4 बूंद पिलाई, आज बेटे 100 ग्राम छटकाने के चक्कर में हो। कल तू 12 बजे आया था, उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए थे, इस मैडम ने दवाई पिलाई 4 बूंद। 4 बूंद दवाई पिलाई? तो तू कल तक की बात जानता सारी। अभी तुझे 1 सेकंड की भूल थी, अभी तू कह रहा मैं 1 सेकंड की बात भूल जाता हूँ। अभी तेरा 24 घंटे की याददाश्त आ गई, इसका मतलब तेरी याददाश्त ठीक होगी। निकले तेरे 100 रुपए पूरे हो गए। अबे आधे तो दे दे। निकले सारे का लेट इतना बजा, याददाश्त भूल जाएगा। ओबे। एक चिल्ली भी ठगना आया है, मेरे याद नहीं, 1 सेकंड की भूल जाता हूँ। पेट्रोल का नाम लेती सारा, कल तक की आवाज याद आ गई। कल 12 बजे आया, ये करा वो करा। अबे जमीला। हाँ जी। लाओ 1000 रुपए। 1000 रुपए घुइये ले ले। घुइये? हाँ। क्यों क्या हुआ? तेरे फूफा शेख चिल्ली ने मेरे से 200 रुपए ठग लिए। आ गए 200 रुपए ठगवा कर। और क्या करता, लठौर उठा था मुझे मारने को। क्या? हाँ। ऐसा करो। कैसा करूं? अब की बार मुझे ले चलो उसकी दुकान पर। हाँ उसे तू झेलिए, तू चल। ठीक है, पर याद रख। क्या? उस पे हर बीमारी का इलाज है। हर बीमारी का? हाँ। लेकिन मेरी बीमारी का इलाज नहीं होगा। हाँ? क्या बीमारी बताएगी भाई तू? तुम तो दो दो आंखें होते हुए भी नहीं लाए ठक्कर। ठीक है,
और मैं तो अंधी बनकर ले आऊंगी। ये ठीक है, आ जा फिर। चलो और हाथ रख के चलियो, आंखें बंद कर लियो। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, रख ले हाथ। लो अबे दूसरा वाला हाथ रख, ये वाला हाथ रख, चल आ जा। चलो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, और दुख तो अपना साथी है। शेख जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। इलाज कराने आए? इलाज कराना है? हाँ भाई साहब, दुकान बंद कर दी, अब इलाज नहीं कर सकते। ऐसे करो ना, अस्पताल ले जाओ, भर्ती के कागज दे देता हूँ बना के। क्या? हम तो इलाज तुमसे कराने आए थे भाई। दुकान बंद कर दी, अब इलाज नहीं होता। मैं इलाज कर दो शेख जी। भाई निकले नहीं निकले। शेख जी जब आ गए तो कर दो ना। है? कर दो। ठीक है। हाँ तो भाई साहब। हाँ बोलो, क्या बीमारी है? बीमारी बताएंगी है? मैडम इधर आ जाओ जरा। मैडम क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब भाई मेरी आँख बड़े गंदी हुई। डॉक्टर साहब सही पकड़ा आपने, मैं वाकई अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंधी है? हाँ। भाई यार जरा सुनो, ये वाकई अंधी है 100%। अबे मेरी बात सुन, अंधों का तो इलाज है नहीं, रुकसा ना, इसे वापस भेज देता हूँ। इधर सुन भाई जान। हाँ। हमारे यहाँ अंधों का इलाज नहीं होता, इसे अस्पताल ले जाओ। अंधों का इलाज नहीं? हाँ। फंसा बेटे, अब फंसा। इलाज नहीं कर सकते? हाँ। तो लाओ स्कीम के मुताबिक 1000 रुपए दो। अब दे दे से 1000 रुपए। जल्दी दो। दे दो अब 1000 रुपए। हंसवा दिया, हंसवा दिया, कंप्यूटर बन रही है साली का, ऐसा पक्कल तार दूंगा। दे दो 1000 रुपए, दे दो ही ना 1000 रुपए, दे दो। दे अब 1000 रुपए दे से, अब दे दो। ठीक है ठीक है। कंप्यूटर क्या बात है? मैडम को 1000 रुपए ला के दे दो गले में से, 1000 का नोट ला दो। अभी लाई, कोई बात नहीं है, जाने दो, हम सोच लेंगे, 10 मरीज आए नहीं। शेख चिल्ली कभी हिम्मत नहीं हारता। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ ले लेना, अभी मैडम जी देंगे, खड़ी रहे। ये लो मैडम 1000 रुपए। हजार का नोट लेकर दबाओ, दुकान से बाहर हो जाओ। ठीक है ठीक है, अब कौन रहेगा तुम्हारी दुकान में? का है ये तो, क्या हुआ? अबे 1000 का ले, जा जल्दी जा। डॉक्टर साहब। हाँ। ये तो 500 का है। 500 का? मुझे तो 1000 रुपए चाहिए। 1000 का ये देख, गांधी जी खबरे ढंग से देख ले। अजय नहीं, ये 500 का है, पकड़ो। 1000 का जी नहीं, ये 500 का है। आप खोल के देख, आप खोल के देख मेरे सामने, आप खोल के देख, कैसे पता कैसे कैसे 500 का? ये देखो। हाँ। ये 5। हाँ, आँख खोल पड़ा, आँख खोल गए। ये 5, ये 0, ये 0, ये गांधी जी 500 रुपए। हाँ। भाई साहब। हाँ जी। देखो गांधी जी 500 रुपए, 500 रुपए, ठीक है, 0-0 ठीक पड़ रही है। इसका मतलब तुम्हारी घरवाली की आँख बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, क्योंकि वाकई 500 का 1000 का है ही नहीं, और इसकी आँख वाकई 500 का बतला रही है। 100 रुपए फीस के और दो। अब दे दे 100 रुपए। 100 रुपए तो और नहीं है डॉक्टर साहब। 100 रुपए फीस के और दे, नहीं 1 महीना गाय का गोबर ठपाऊंगा साली। हाँ जी, यही बांध के साली को। हाँ। भाग ले, भाग ले, भाग भाग। 1000 रुक जा साली, देख चिल्ली को ठगना है।